ओके, तो एनवायरनमेंट के ये दो कंपोनेंट तो आप समझ गए, बायोटिक एबायोटिक, और तीसरा क्या था? अब वो फिर से हम वो डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ लिख देंगे आपको। तो थर्ड वाज मैन मेड। म्यूट कर लीजिए। मैन मेड में दो टाइप के हो गए, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, तीसरा मैन मेड द्वारा कल्चर। कल्चर, ये भी एनवायरनमेंट का ही हिस्सा। अगर खराब कल्चर होता है किसी का घर में तो क्या कहता है कि खराब एनवायरनमेंट है। किसी जगह पर मोहल्ला में खराब कल्चर है, हुल्लड़बाजी हो रहा है तो क्या कहते हो? खराब एनवायरनमेंट है, लड़के सब वहां के गलियों में राउडी हैं तो क्या कहेगा? खराब एनवायरनमेंट है। ओके, तो कल्चर, कल्चर का हिस्सा है आपका। कल्चर इज मेड अप ऑफ सोसाइटी, ठीक, यानी समाज। फिर वो जो समाज है चल किस पर रहा है? एक तो समाज का वैल्यू होता है, सामाजिक वैल्यूज, मूल्य और सिद्धांत, उस पर चल रहे हैं, तो उसको अलग समझो। वो आ गया इसी के अंदर, सोसाइटी के अंदर ही आ गया। लेकिन सोसाइटी अपना जीवन यापन कर रहा है किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से, अर्थव्यवस्था चल रही है, खड़ी क्रय विक्रय हो रहा है, इसी की ये कल्चर का ही हिस्सा है इकोनॉमी भी, इकोनॉमी। एंड द थर्ड इज, अब इस कल्चर को किस तरह से, इस सभ्यता को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, एडमिनिस्टर किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है, यानी हो गया आपका पॉलिटी। अब ये हो गए आपके सारे पहले वाले, और ये सब मिला के अब जोड़ लोगे तो दिस बिकम्स द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ओके, समझ में आया? यस सर। तो अभी तक मैंने आपको एनवायरमेंट समझा दिया, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मैंने समझा दिया, ठीक। और एनवायरमेंट के दो टाइप हैं, माइक्रो एनवायरमेंट्स, मैक्रो एनवायरमेंट, वो भी बता दिया, ठीक, माइक्रो माइक्रो बता दिया। चलिए अब जो है, अब आप लोग कह रहे हो इसका नोट वगैरह या डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो आप, मैंने पॉइंट्स बनाया हुआ है, आप इसको फॉलो करोगे एंड इन द एग्जाम यू विल राइट दिस। ओके, दिख रहा है क्या स्क्रीन पर मेरा नोट आपको अभी? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा है? सर। ओके, अभी दिख रहा है क्या? यस सर। चलो सर, दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट का मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया पूरा। अब देखिए नोट में भी जो भी जो पॉइंट्स हैं, जो मैंने यही जो एक्सप्लेन किया वो सब लिखा हुआ है, इसको भी आप समझ लीजिए, जल्दी जल्दी ये कवर हो जाएगा। अब चूंकि आपको मैंने समझा दिया है, ओके, क्या कह रहा है ये पूरा जो एनवायरमेंट का मीनिंग, ये समझा रहे हैं इस पॉइंट में, एक दो तीन चार पांच यहाँ जो लिखा हुआ है, क्या मतलब है एनवायरमेंट का। The term environment has been derived from a French word environnia, means surrounding. Environnia means surrounding. French word है, बता दिए थे आपको। चलिए जल्दी जल्दी समझ जाओगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़े यहाँ से पॉइंट में, क्योंकि समझा दिए हैं, सर कैच कर लोगे।
ओके, इट रेफर्स टू एनवायरमेंट रेफर्स टू बोथ एबायोटिक यानी फिजिकल और नॉन लिविंग एंड बायोटिक लिविंग एनवायरमेंट, करेक्ट। द वर्ड एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। एक एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव जिस सराउंडिंग में रहता है वही सराउंडिंग उसका एनवायरमेंट कहलाता है। सो फोर्थ नंबर, एनवायरमेंट एंड द ऑर्गेनिजम्स आर टू ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर। हम बता दिए थे फ्लो में नेचर का दो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है, बट ऑर्गेनाइज है एक कंपोनेंट एनवायरमेंट, दूसरा ऑर्गेनिजम्स। पांचवा, एनवायरमेंट कंट्रोल द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एनवायरमेंट जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लाइफ का स्पैन ये सबको कंट्रोल करता है। अगर एडवर्स एनवायरमेंट हो जाए तो क्या होगा, मौतें होंगी जीवन में। मान लो यहां बाढ़ आ गया, ज्वालामुखी फट गया, क्या होगा, ह्यूमन बींग्स को, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अदर जानवर भी साथ ही मनुष्य भी जो सबसे बुद्धिमान है बचने में, वो भी लपटा जाएंगे। ओके, अभी आया हुआ है बाढ़ बिहार में बहुत सारा हिस्सा में, ठीक है। तो अगर एनवायरमेंट डिस्टर्ब होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे एनवायरमेंट डिस्टर्ब, जंगल काट दिया, अब क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा, गर्मी बढ़ेगी उस एरिया में, और उस एरिया में इको सिस्टम खराब होगा, जीव जंतु जो वहां पहले से रह रहे थे वो सब पलायन कर गए, अब वहां पर एक के बाद एक परेशानी आएगी। अब देखिए फिर माइक ओपन है, छठा पॉइंट, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट मोर विगरसली देन अदर लिविंग बींग्स। यानी जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो एनवायरमेंट से वो भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन भी इंटरैक्ट कर रहा है, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है एनवायरमेंट के साथ ही बहुत ही ज्यादा विगोरसली इन ए बैड वे, क्योंकि पर्यावरण का जो भी करता है, मतलब जो भी नहीं कह लो, ज्यादातर पर्यावरण का मनुष्य नुकसान ही पहुंचाता है, क्योंकि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सब काम करता है, पर्यावरण के बारे में वो तनिक भी नहीं सोचता। जैसे अभी अगर आप जाओ मुंगेर से थोड़ा सा बाहर, हेरुदेरा से निकलो, पहले वो पूरा एरिया ग्रीन होता था, एकदम लस ग्रीन, अभी बारिश के सीजन में पूरा लस ग्रीन, बहुत अच्छी अच्छी हवा बह रही है, ठीक है। अब उधर से जो एनएच में मिलता है रोड, वहां पर पूरा मुंगेर शहर का कचरा डालना शुरू कर दिया है, पूरा प्लास्टिक कचरा। ओके, तो एनवायरमेंट को क्या कर रहा है, हर व्यक्ति अपने घर में कचरा उत्पन्न किया, सुबह से लेकर शाम तक एक आदमी एक डस्टबिन भर देता है, मुंगेर में नहीं भरता होगा लेकिन जो सोसाइटी एडवांस है, ठीक है, वहां भर देता है। सुबह से ही टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना शुरू करता है, दूध का पन्नी भी खोला तो प्लास्टिक से निकला, बिस्किट खोला तो प्लास्टिक से निकला, और टिश्यू पेपर प्लास्टिक दिन भर में, और लिखो फेंको का जो सिस्टम है, यूज एंड थ्रो, पहले आया था लिखो फेंको, कितना पर्यावरण को नुकसान हुआ, यूज एंड थ्रो हो, इसका क्या मतलब हुआ, आप कोई भी चीज यूज कीजिएगा और फेंक दीजिएगा, वो पर्यावरण को नुकसान हो गया, वो हजारों साल तक, प्लास्टिक थोड़े डिग्रेड होने वाला है, वो हजारों साल तक अब नहीं सरने सरेगा, अंत में क्या होगा, आप कहोगे प्लास्टिक कंपनी फेंक दी, बाद में दिखता कहाँ है, वो गया मिट्टी में। ओके, प्लास्टिक भी जो है डिग्रेड हो के बड़ा प्लास्टिक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते 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 वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं, और वो माइक्रो प्लास्टिक मिट्टी में मिल गया, आपको आंख से दिखेगा नहीं, वो मिट्टी में प्लास्टिक मिला हुआ है। अब उस मिट्टी में जो जीव जंतु या जो भी प्लांट उगेंगे या सब पर प्रभाव पड़ेगा, वो मिट्टी बंजर होगी धीरे धीरे, और प्लास्टिक का कंटामिनेशन होगा, ठीक है। सो इसीलिए कह रहा है ह्यूमन बींग्स जो है बहुत ही ज्यादा विगोरसली, यानी नदी को भी खराब कर रहा है, हवा को भी खराब कर रहा है, सॉइल को भी खराब कर रहा है, इतना ज्यादा ये यूज कर रहा है। कुत्ता बिल्ली तो पोल्यूशन नहीं पहुंचा रहा है, ह्यूमन ही कर रहे हैं। आगे बढ़े, समझते जा रहे हो? Yes, sir. Ordinarily,
एनवायरमेंट रेफर्स टू द मटीरियल्स एंड फोर्सेस दैट सराउंड द लिविंग सिस्टम. ये एनवायरमेंट की ही अलग अलग शब्दों में अलग अलग वाक्यों में ये व्याख्या की हुई है. ऑर्डिनरली एनवायरमेंट मतलब फिर से बता रहा है कि मटेरियल और फोर्स दैट सराउंडिंग द लिविंग सिस्टम. यानी एक आदमी जो राम था उसके सराउंडिंग में मटेरियल क्या है, फोर्स क्या है, ये सब जो है उसका मतलब एनवायरमेंट. तो यहाँ पर मटेरियल में अगर अदर लिविंग मटेरियल भी आ गया इस मटेरियल में, इस व्याख्या में. अब देखिए, एनवायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच ए पर्सन एनिमल और प्लांट लिव. सेम बात है, ठीक है सर. लिविंग मटेरियल्स के बारे में थोड़ा बताइए. देखो ये सातवां नंबर कह रहा है कि एनवायरनमेंट का मतलब यह भी है कि अब जैसे आप यहाँ खड़े हैं, आपका नाम मान लिया कुछ भी है आर से, तो आपके सराउंडिंग में सारे मटेरियल्स हैं और क्या है, फोर्सेज है, बल है. कैसे फोर्सेज है, ये सब हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर में जो फोर्सेज ऑपरेट कर रहे हैं, यानी वह बल जिससे वर्षा हो रही है, वह बल जिससे जमीन में पानी अंदर जा रहा है, वह बल जिससे नदियां प्रवाहित हो रही हैं, वह बल जिससे हवा बह रही है. तो ये सारे जो फोर्सेज हैं, प्लस अब ये बल के अलावा क्या बच गया, वस्तु, मटीरियल्स. ठीक है, तो यह आदमी के अलावा जो मटेरियल्स बच गया, सारा बल और मटेरियल्स. और ये मटेरियल्स में सजीव और निर्जीव दोनों हो सकते हैं. इस आदमी के बगल में कोई दूसरा आदमी भी हो सकता है, कोई उसका पालतू जानवर भी हो सकता है. ओके, तो इस मटेरियल में सब आ जाएंगे, सजीव निर्जीव सब. समझ में आया? Yes, sir. अब आठवां पॉइंट में आते हैं. एनवायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग और कंडीशन. सेम बात है, एक ही बार बार ये एक्सप्लेन भी कर दिए. एनवायरमेंट क्या है, डिफाइन कर रहे हैं सराउंडिंग और कंडीशन. कंडीशन क्या क्या था, टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, सॉयल, मिनरल एटसेट्रा, एयर, ये सब क्या था, कंडीशन थे. कहाँ से आए, एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, यहीं से ये कंडीशन उत्पन्न हो रहा था. ठीक है, बायोस्फीयर से कंडीशन क्या उत्पन्न हो रहा था, लिविंग कंडीशन उत्पन्न हो रहे थे. ऑल बायोटिक फॉर्म्स जैसे प्लांट, एनिमल, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, दोनों तरह के जीव होते हैं. जिसको आप अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको सूक्ष्म जीव कह सकते हैं, और वैसे जीव और इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आंखों पर कोई एक ग्लास लगाना पड़ता है, स्पेशल डिवाइस लगाना पड़ता है, उसका नाम माइक्रोस्कोप है, उससे आप देखते हैं, तो इसलिए उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है. और जिसको आप ऐसे ही देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, ठीक है, तो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सब, फंजाई भी, मशरूम वगैरह, ये सब. ठीक है, फंजाई में ईस्ट भी आता है, ईस्ट सूक्ष्म जीवी है, और मशरूम जो है सूक्ष्म जीवी नहीं है, वो भी फंजाई ही है, मल्टी सेलुलर है. तो अब ये सब एबायोटिक फैक्टर्स है. तो यही कह रहा है, एनवायरमेंट में ये कंडीशन है डिफाइंड एज द सराउंडिंग्स, उसके सराउंडिंग में, किसके सराउंडिंग में, एक कोई पर्सन है उसके लिए एनवायरमेंट है. तो उस पर्सन के लिए उसके सराउंडिंग में जितने भी पर्सन है, यानी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के अलावा जो जानवर है, वो प्लांट है, ठीक है, वो सब आ जाएंगे उसके एनवायरमेंट में. आया समझ में? जी सर. ओके, अब देखिए, द टर्म नाइन्थ पॉइंट, द टर्म एनवायरमेंट. फिर बार बार ये टर्म एनवायरमेंट को रेफर्स कर रहा है, मतलब इसकी अलग अलग शब्दों में व्याख्या करें, तो आप आगे अच्छे से समझो. एनवायरमेंट पर कुछ भी लिखने आए तो दो तीन पन्ना एकदम, ये भी नहीं कि दो तीन पन्ना लिख दो ना. ओके, देखना पहले क्वेश्चन में मार्क्स का वेटेज कितना, उस क्वेश्चन का औकात क्या है. 10 नंबर का है तब ना लिखोगे ज्यादा, 5 नंबर का रहेगा तो उसको उसके हिसाब से लिखोगे. तो फिर जो उसके जब नॉलेज आपको ज्यादा रहेगा, पॉइंट्स ज्यादा लिखने का रहेगा, और 5 ही नंबर का है तो उसमें ये नहीं कि सब हम पॉइंट्स घुसा दें.
जो मेन मेन पॉइंट लगे, और एक पिक्चर जरूर बना दो, मेन मेन पॉइंट और पिक्चर और टेबल वे में आप रखोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा फिर। ओके, एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड, ये हो गया। द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, सेम बात हो गया। सारे एलिमेंट किसके, ये बायोटिक फैक्टर्स यानी फिजिकल फैक्टर और बायोस्फीयर बायोलॉजिकल वर्ल्ड के, और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी, ये सारा एनवायरनमेंट में आता है। सॉरी, एनवायरनमेंट प्लेस प्री एमिनेंट रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग एज ह्यूमन लाइफ इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट पर ह्यूमन लाइफ जो है, लाइफ साइकिल इज वेरी मच डिपेंडेंट। कैसे गर्मी के दिन में आप लोगों की दिनचर्या बदल जाती है, सर्दियों में दिनचर्या बदल जाएगी, जाड़ा में दिनचर्या बदल जाएगा, तो ये तो एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट हो गया, एक फैक्टर जिसमें सिर्फ टेम्परेचर इन्वॉल्व है। ओके, टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, एटमोसफेयर से। तो सिर्फ एटमोसफेयर के एक कंपोनेंट में वेरिएशन की वजह से आपकी दिनचर्या बदल गई। गर्मी में अदर, जाड़ा में अलग, जाड़ा में रजा में घुसोगे नहाओगे कम, और गर्मी में नहाओगे ज्यादा और कम कपड़ा में रहोगे। तो ये तो एक ही कंपोनेंट हो गया, ह्यूमन बीइंग कितना ज्यादा डिपेंडेंट है सोच लो आप। ओके, सिर्फ यही नहीं, लाइट समझ लो, जो सनलाइट है वो भी एबायोटिक फैक्टर है। ओके, सनलाइट का भी रोल है। अब जहां सनलाइट ज्यादा अच्छे तरीके से पड़ेगी वहां पर ज्यादा फसल होगा, ज्यादा खेती होगा, ज्यादा पेड़ पौधे ग्रो करेंगे उस एरिया में। ओके, समझ में आ रहा है। रेनफॉल एबायोटिक फैक्टर्स है, रेनफॉल का कितना रोल हो गया ह्यूमन बीइंग का। डेजर्ट में आदमी कैसे रहता है और कहाँ पर कैसे रहता है जहाँ पानी ज्यादा होती है। ओके, मिट्टी, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है वहाँ लोग खेती करते हैं, जहाँ बंजर धरती है वहां पर खेती नहीं कर पाते हैं, कैसे करते हैं सोच लो। मिनरल्स, जहाँ पर खदान मिल गया, तेल मिल गया, वहां पर रिच हो गया आदमी उस एरिया में। लेकिन रिच जो है सरकार होती है, खदान कंपनियां होती है, वहां अगल बगल में रहने वाले लोग रिच नहीं होते, इसीलिए हमेशा इसका एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। इसीलिए देखोगे जहां जहां खदान एरिया है उसके अगल बगल के लोग असंतुष्ट रहेंगे, धरना मांग प्रदर्शन करते रहते हैं। उनको लगता है कि ये मेरा जमीन है, आदिवासी लोग को जहां से कोयला आयरन निकल रहा है, कॉपर एल्यूमिनियम निकल रहा है, उनको लगता है मेरा जमीन है। और सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि नहीं, भूगर्भ में निकलने वाले जितने भी संपदा है सब राष्ट्रीय संपत्ति है, और सरकार ने ठेका दिया प्राइवेट को कि आप वहां माइनिंग करोगे। ठीक है, तो वो लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मेरा संपत्ति है, तो इसका फायदा, इससे जो कमाई हो हमको मिलना चाहिए। हालांकि ऐसी पॉलिसी है कि माइनिंग एरिया में जो उसका राजस्व की प्राप्ति हो, उसका एक अच्छा हिस्सा, अच्छा खासा हिस्सा उस एरिया में रहने वाले लोगों के बेटरमेंट के लिए खर्च किया जाए, उनके अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोड, अच्छा बिजली, ये सब पर खर्च किया जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ओके, सो अब ये लास्ट में हम आपको बताएंगे, एनवायरनमेंट हैज प्रोडक्टिव वैल्यू, एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन वैल्यू। पहले आप पूरा एनवायरनमेंट समझ जाओगे तब ये आप समझोगे। लास्ट में हम बताएंगे, जब हम बताएंगे कि एनवायरनमेंट से आपको क्या क्या मिलता है, क्या लाभ है एनवायरनमेंट से, क्या मिलता है। ओके, तो पहला तो लाभ ये है कि एनवायरनमेंट की वजह से ही हम जीवित हैं, तो उस तो फॉरमोस्ट लाभ, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हम जिंदा ही है एनवायरनमेंट की वजह से, तो उसको आप रख दीजिए साइड में, क्योंकि वो तो सबके लिए कॉमन, जिंदा है एनवायरनमेंट की वजह से। इसके अलावा जिंदा भी है तो जिंदा रहने के बाद हमको एनवायरनमेंट से क्या क्या मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या फायदा है एनवायरनमेंट से, उसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो एनवायरनमेंट इज द, अब इस सब मिला के हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज द ग्रैंड टोटल ऑफ कंडीशंस दैट सराउंड अस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो टाइम और स्पेस का भी ध्यान रखना होगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एनवायरनमेंट में जो भी टोटल कंडीशंस थे वो ग्रैंड टोटल वो थे। तो टाइम का भी एक रेफरेंस, किसी टाइम पर एनवायरनमेंट अलग है, किसी टाइम पर एनवायरनमेंट अलग है, पहले ज्यादा जंगल थे अभी कम जंगल हो गए, तो एनवायरनमेंट में टाइम का भी एक आपको देना पड़ेगा रेफरेंस। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स, बता दिए हैं सब इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये सारे फिजिकल बायोलॉजिकल एंड कल्चरल कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य है तो उसको वर्षा की आवश्यकता है, सॉइल की भी आवश्यकता है, लाइट की भी, टेम्परेचर की भी, मिनरल्स की भी, सबकी आवश्यकता है। ओके,
which are interlinked both individually and collectively. Environment is the sum total of conditions in which an organism has to survive or maintain its life process. Correct? Clear? Environment में सब total, सब का योग, total condition, जो भी हम सब बताया आपको, temperature, light, rainfall, soil, mineral, air, etc., abiotic factors, biotic में biosphere, और cultural में आपका हो गया, और man-made में हो गया, cultural, man-made objects, society, polity, economy, सब. सब सम टोटल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म जो जीव है जो उसके बीच में मनुष्य उसके बीच में रहता है और अपनी जीवन की प्रक्रिया को मेंटेन करता है तो उस सब प्रोसेस जो है सम टोटल ये सब जो बताया है वो सब एनवायरनमेंट ही है सो इसका मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ये सब इसके बिना जीवन संभव नहीं अगर जी और जीवन भी संभव है अगर इसमें अच्छी क्वालिटी ना हो यानी अच्छा एयर ना हो अच्छा लाइट ना हो टेम्परेचर ठीक ना हो सॉइल ठीक ना हो मिनरल नहीं ठीक हो तो क्या होगा क्वालिटी ऑफ द लाइफ विल बी अफेक्टेड जमीन बंजर है सॉइल ठीक नहीं है तो वहां फसल नहीं हो पाएगी उस एरिया में खाद्यान्न की उत्पत्ति नहीं होगी भुखमरी होगा उस एरिया में ओके एनवायरमेंट इज द सम टोटल ये हो गया 11th point is clear to you now? Yes, sir. Okay. चलो आज का क्लास में हम 14वां पॉइंट तक खत्म कर लेते हैं ये तीन पॉइंट उसके बाद ब्रेक उसके बाद कल आपकी संडे है संडे को हर संडे को क्लास होगी ये सिर्फ आज हम एक्स्ट्रा क्लास लिए सैटरडे इसका मतलब ही नहीं कि अगला सैटरडे को भी होगा नहीं आपकी सिर्फ संडे को होगी और AEC 1 सेमेस्टर 2 आपका टाइमिंग रहेगा संडे को शाम को छ नहीं शाम को छह से नहीं 8 बजे से शायद है चूंकि मेरे पास 8 से 10 है सर हम लोग का 8 से देखिए मेरे पास समय का बहुत ही ये चक्कर है मेरा जितना भी टाइम है ना वो अलग पहले से ही क्लास में इंगेज्ड है ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास जो हमारे जूलॉजी के हैं ठीक है ना Part 1 Part 2 Part 3 इंटर MSc Semester 1 Semester 2 Semester 3 सब में मेरा टाइम बटा हुआ है तो आप लोगों के लिए फिर मैं ये AEC 1 और AEC 2 के लिए मैंने संडे में से कुछ टाइम निकाला है ठीक है तो आप लोग माइंड नहीं करोगे तो इसलिए क्योंकि ऑड आवर में अगर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोर्स खत्म करना है ओके जो मेरे पास अवेलेबल रहेगा उसी में से मैं दे सकता हूँ करेक्ट है तो मेरे पास ऑड आवर में ही तो होप आप लोग कर लो कुछ लोग आओगे नहीं तो फिर ये अपलोड होगा ही कॉलेज चैनल पर वहां से पिक कर लोगे और सर हम लोग का सर सेमेस्टर थ्री का भी लेंगे क्लास वो भी संडे को ही है 4 बजे से 6 बजे ठीक है 4 PM to 6 PM AECC 2 का टाइमिंग है अभी AECC 2 कल यानी डॉक्टर लव सिंह बॉटनी डिपार्टमेंट हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट डॉक्टर लव सिंह ही विल टेक और उसके बाद फिर 8 से 10 बजे कल ही फिर यही AEC 1 कंटिन्यू करूंगा मैं ओके सर बोलिए सर हम लोग हिंदी वाले हैं सर तो हम लोग का योगिक साइंस होता है तो हम लोग को ये वाला भी करना होगा आप लोगों का योगिक साइंस होता है तो फिर ये क्यों कर रहे हैं ये मत कीजिए आप सेमेस्टर 2 में आएगी सेमेस्टर 3 में सेमेस्टर 2 है सर सेमेस्टर 2 में हिंदी को योगिक साइंस है हमको कंफर्म शायद हिंदी और फिलोसफी संस्कृत भी है फिलोसफी का हमको नहीं पता जो भी है संस्कृत है सर संस्कृत फिलोसफी और हिंदी तीनों सब्जेक्ट है योगिक साइंस में तो सेमेस्टर 2 में ये फिलोसफी संस्कृत और हिंदी वाले जो है योगिक साइंस पढ़ेंगे ओके ये वाला फिर आपको नहीं पढ़ना है सर सेमेस्टर 3 वाला पढ़ सकता है ना सर ये फिलोसफी वाला हाँ सेमेस्टर 3 में सिर्फ एक ही पेपर है AECC 2 वो सब के लिए कॉमन है MCOM MA कोर्सेस सब के लिए वही है एक ही है ठीक है लेकिन ये तो AEC पढ़ सकते हैं सर ये बात समझोगे तब ना ये तो सेमेस्टर 2 के लिए है ना सेमेस्टर 2 में अलग है फिलॉसफी और हिंदी संस्कृत वालों का ओके बाकी सबका सेम है फिलॉसफी संस्कृत और हिंदी और कॉमर्स ये 4 का अलग है और बाकी सबका सेम है तो जिसका सबका सेम है वो ये पढ़ेगा और सेमेस्टर 3 में AECC 2 सबका एक ही है सारे MA सारे MCOM सारे MSc तो वो सिंगल वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं सबको वही पढ़ना है AEC 2
AACC 2 जो कल लव सिंह पढ़ाएंगे, यानी उसमें है ह्यूमन वैल्यूज एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन। कल लव सिंह स्टार्ट करेंगे आपका शाम को 4 बजे से, सेमेस्टर 3 वालों का। लेकिन इस AAC 1 में फिलोसफी, हिंदी और संस्कृत वाले और कॉमर्स वालों को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर ऐसे ही सेमेस्टर वाला को नहीं पढ़ना है सर, एक बार में क्यों नहीं समझते हो तुम, कई भाषा में बता रहे, दो बार बता रही ना, सेमेस्टर 2 में फिलोसफी, हिंदी, संस्कृत इन लोग को ये पेपर नहीं पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ना चाहते हो जनरल नॉलेज के लिए तो कर सकते हो क्लास, बाकी सब के को इस तरह। चलो ठीक है, हो गया कंफ्यूजन क्लियर? जी सर। ओके, 12वां पॉइंट क्या कह रहा है, अब म्यूट कर लो। In other words, environment refers to those surroundings that surrounds living beings from all sides, affects the lives in toto. एक living organism को चारों तरफ से जो परिवेश है वही surrounding है। It consists of atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. बता दिए आपको। Its chief components are, यानी ये सब atmosphere, hydrosphere, biosphere, lithosphere का भी component है। इसको further break किया, इसमें जो चीफ कंपोनेंट्स हैं दैट आर सॉइल, वाटर, एयर ऑर्गेनिज्म एंड सोलर एनर्जी। इट हैज प्रोवाइडेड अस, अब सोलर एनर्जी आ रहा है तो सन से, लेकिन ये किसका हिस्सा कहला रहा है यहाँ पर, लिथोस्फीयर का, क्योंकि सन, सोलर एनर्जी, सनलाइट जो है वो धरती पर पड़ रही है और उसकी वजह से धरती गर्म हो रही है, और फिर धरती के संपर्क में जो हवा है फिर वो गर्म हो रही है। तो हवा में जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट, जो वेदर में टेम्परेचर है, वो कहां से आ रहा है? इनडायरेक्टली तो सनलाइट से ही आ रहा है, बट डायरेक्टली कहां से आ रहा है? लिथोस्फेयर से, धरती से आ रहा है। धरती की सतह से सनलाइट टकराया, उसके बाद आ रहा है, तो इसलिए सनलाइट विल बी कम अंडर, विल फॉल अंडर लिथोस्फेयर एनवायरमेंट के संदर्भ में। सो इट्स चीफ कंपोनेंट्स आर सॉइल, वाटर, एयर ऑर्गेनिजम्स एंड सोलर एनर्जी। It has provided us all the resources for leading a comfortable life. Environment से ही सारी वस्तुएं आप प्राप्त करते हैं, खाना, रहना, कपड़ा, सामान, मोबाइल, गाड़ी घोड़ा, जितना भी चीज आप, तो ह्यूमन क्या है, रॉ मटेरियल को ही तो दूसरी वस्तुओं में बदलता है, कन्वर्ट करता है अपने कंफर्ट के लिए। ऐसा थोड़ी है जो कुछ पैदा कर दिया, यहाँ से कुछ लिया, वहां से कुछ लिया, उसको परिष्कृत किया, उसको परिष्कृत किया, दोनों को जोड़ जार के, सबको मिला के कुछ मशीन डब्बा बना दिया, जिससे आपकी लाइफ जो है आसान हो गई। मोबाइल बन गया, गाड़ी बन गया, रॉ मटेरियल कहाँ से आया? एनवायरनमेंट से। तो सब चीजें जो आ रही हैं एनवायरनमेंट के दोहन से ही आ रही है। दस एनवायरनमेंट रिफर्स टू एनीथिंग। अब जैसे प्लास्टिक है, डबल नुकसान कर रहा है वो, उसका भी रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट से ही आ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और उसके बाद प्लास्टिक फिर जा रहा है एनवायरनमेंट में अनप्रोसेस्ड होके, वो फिर एनवायरनमेंट में, वो इरिवर्सिबल है। पहले रॉ मटेरियल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक तो रॉ मटेरियल भी निकल गया एनवायरनमेंट से, और उस रॉ मटेरियल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए कि वो कभी डिग्रेड ही नहीं होगा, वो पॉल्यूटेंट है। यूजफुल रॉ मटेरियल इज नॉट पॉल्यूटेंट, सो इट इज टू वे नुकसान, ठीक है। दस एनवायरनमेंट रिफर्स टू एनीथिंग दैट इज इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। आवर एनवायरनमेंट रिफर्स टू दोज थिंग्स और एजेंसीज व्हिच दो डिस्टिंक्ट फ्रॉम अस अफेक्ट आवर डेली लाइफ और एक्टिविटी, ठीक है। तो हमारे एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें मौजूद हैं, सब चीज हम लोग प्राप्त करते हैं, भले ही वो हमसे दिखने में अलग हो, लेकिन हमारे लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, डेली लाइफ को वो अफेक्ट करते हैं। जैसे आप समझो कि केचुआ, मिट्टी में रहने वाला केचुआ कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, कैसे आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकता है, लेकिन करता है, आपको पता भी नहीं है लेकिन करता है, ठीक है। कैसे करता है? केचुआ जो है मिट्टी को खा करके उसको और उपजाऊ बनाता है, जिससे कि फसल में खाद का वो काम करता है। उसी केंचुआ को पक्षी खाते हैं, पक्षी का भी अपना जनरेशन होता है, पक्षी फिर दाना चुगता है,
फर्टिलाइजेशन करता है, पॉलिनेशन करता है, एक जगह से बीज को दूसरे जगह स्थानांतरित करता है, वही पक्षी एक जगह आम का बीज उठाया, दूसरे जगह लग गया, वहां आम का पौधा जन्म गया। तो इस तरह से सब वेरी, इस एनवायरनमेंट में ये इकोसिस्टम है, सब एक दूसरे से एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स जो है इंटरलिंक्ड है। ऊपरी तौर पर देखने से ये नहीं लगेगा कि ये फैक्टर आपके डायरेक्टली काम के, लेकिन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर, वह आपको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आए समझ में? आगे बढ़े, लास्ट पॉइंट, द एनवायरनमेंट बाय विच मैन इज सराउंडेड एंड अफेक्टेड बाय फैक्टर्स विच मे बी नेचुरल, आर्टिफिशियल, सोशल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो ये भी हो गया एनवायरनमेंट बाय विच मैन इज सराउंडेड। ठीक है, ये एनवायरनमेंट जो है, जिस मैन के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट भी अफेक्ट हो सकता है। यह एनवायरनमेंट पर्यावरण, जैसे राम जहाँ खड़ा है उसके अगल बगल का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट अफेक्ट हो सकता है। कैसे? नेचुरल वे में, आर्टिफिशियल वे में, सोशल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वे में। अब देखिए कैसे होगा, यह छोटा सा एरिया है, माइक्रो एनवायरनमेंट है। सपोज करो कि एक प्रिंस नाम का आदमी है, मुंगेर में खड़ा है, और वो पूरे मुंगेर शहर को अपना एनवायरनमेंट मानता है। तो इस मुंगेर शहर में नेचुरल, मान लो कि भूकंप आया था बहुत दिन पहले मुंगेर में, नेचुरल कैलामिटी, क्या हुआ मुंगेर का फिर एनवायरनमेंट खराब हो गया, तहस नहस हो गया उस समय भूकंप के वजह से। तो इसलिए एनवायरनमेंट को नेचुरल एक्टिविटी या कैलामिटी भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल, अभी हम आपको बताएं जस्ट शहर के बाहर इतना सुंदर हरा इलाका था, हरित प्रदेश था, सारा प्लास्टिक कचरा को वहां बना दिया ठिकाना, ये क्या है? आर्टिफिशियल है कि नहीं? मैन मेड है, आदमी ने खुद किया, हजारों साल के लिए जमीन खराब हो गया। अब वो प्लास्टिक जो पन्नी, इतना हजारों लाखों पन्नी जो जमा हुआ है, सब धीरे धीरे टूट टूट के माइक्रो प्लास्टिक बनेगा, वही मिट्टी में जाएगा। ओके, और उसी मिट्टी में गाय भैंस का चारा उगेगा, गाय भैंस का उतना चारा खाएगा, गाय भैंस का चारा से दूध होगा, दूध आदमी पिएगा, तो प्लास्टिक फिर खुद अपने अंदर लेगा, वो जो आदमी वहां फेंका, जो रह रहा है, जिसने मना नहीं किया, उसके अगल बगल 500 आदमी रह रहा है लेकिन कोई मना नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ कचरा क्यों फेंक रहे हो भैया, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, सरकार फेंक रही है वो भी देख रहा है। अगल बगल रहने वाले लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पर गड्ढा था, वो गड्ढा भरा रहा है, ये नहीं समझ में आया कि वो गड्ढा है, वो वेटलैंड है, नेचुरल वेटलैंड है, थोड़ा सा लो लैंड है, वहां पर पानी जमा होता है। पहले उस पूरे एरिया में पानी जमा होता था, सिंघाड़ा जो पानी में होने वाला होता वो फलता था उसमें, अब धीरे धीरे पानी भी वहां कम होने लगा है। एनीवे, तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल, एनवायरनमेंट को खराब कर दिया। सोशल, मान लो कि दंगा फसाद हो जाए तब एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। बायोलॉजिकल, जैसे कोरोना का भी महामारी फैल गया, ओके, मुंगेर में भी बहुत लोगों को कोरोना हो गया, मान लो उस एनवायरनमेंट में कोविड फैला हुआ है, तो बायोलॉजिकल है, एनवायरनमेंट खराब हुआ। साइकोलॉजिकल मतलब कि यही हो गया, कुछ लोग अगर मान लो उस सोसाइटी में अजीब ढंग से बिहेव करने लगे, एक पर्टिकुलर एरिया में देशद्रोही हो जाए, हथियार उठा ले, नक्सलाइट एरिया में जैसे कश्मीर में यह सब देश के विरोध खड़ा हो गए, ओके, तो वो भी एनवायरनमेंट को खराब करेंगे। एनीवे, तो हो गया आपको 14 पॉइंट तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, चलिए कल के क्लास में हम, चूंकि ये कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट ही हम आपको पढ़ा दिए हैं, अभी जो व्हाइट बोर्ड पर सब पढ़ा दिए, लिखा हुआ है सब, एक बार फिर से बोल देंगे, ये टेबल बना हुआ है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट एनवायरनमेंट डज फॉर अस, पर्यावरण से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे लिए वो क्या करता है, हम प्राप्त भी नहीं करते, वो इनडायरेक्टली हमको दे रहा है, हमको पता भी नहीं चल रहा है, वो देते जा रहा है, हम मांग भी नहीं रहे, वो देते जा रहा है। ओके, तो ये हम कल देखें, ठीक है? कल सर 8 से 10 होगा ना सर? 8 से 10 होगा AEC 1 सेमेस्टर 2, और 4 से 6 होगा AECC 2 सेमेस्टर 3। ओके सर, ठीक है सर। तो यौगिक साइंस का क्लास कब होगा सर?
योगिक साइंस वाले उसे पूछिए ना, उन लोग का अपना डिपार्टमेंट में पूछिए उनसे। कृपा शंकर सर पढ़ाते हैं सर योगिक साइंस, और विश्वजीत सर पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं। हाँ तो हाँ वो तो लिए थे मीट पे एक दो बार क्लास इस पे। हाँ ये कृपा शंकर सर क्लास लेते हैं योगिक साइंस का, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत योगिक साइंस का, फिलोसफी का। ठीक है, तो आप लोग पूछ लीजिए।